सो हेलो गाइस, वेलकम फॉर यू आर चैनल एवी बॉक्स ऑफिस। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कैसे एक्टर है जो कि हम सबके बीच में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में लेके आते हैं। और दोस्तों, उन शानदार फिल्मों को लेकर के हम सबके बीच में क्रेज बना रहता है। इसी के साथ में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार सर की एक इतनी बेहतरीन अपडेट लेके आया हूं मैं, जिसको सुन के आप शायद से खुशी से फूले नहीं समाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप अक्षय कुमार सर के एक बहुत बड़े फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहुंचा पाऊं सुदिन में सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। वेल फ्रेंड, अगर हम बात करें अक्षय कुमार सर की, तो दोस्तों मैं आपको तो कि अक्षय कुमार सर एक काफी शानदार एक्टर है जिनको हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, भारत कुमार और कई नामों से पुकारा जाता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह अपडेट निकल कर आ रही है क्रिश 4 की तरफ से। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्रिश 3 के अंदर हमको विलन के रूप में काम करते हुए नजर आए थे विवेक ओबेरॉय। इसी के बाद में दोस्तों, हम सबके बीच में क्रिश 4 का क्रेज बन चुका था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिश 4 का इंतजार ऑडियंस काफी बेसब्री से कर रही है, क्योंकि दोस्तों वार फिल्म और क्रिश 3 के बाद में अक्षय कुमार सर का जो बज बना हुआ है, सॉरी ऋतिक रोशन सर का जो बज बना हुआ है, उसके तो क्या कहने। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ शानदार नाम निकल कर आ रहे हैं जो कि हमको क्रिश 4 के अंदर देखने के लिए मिलेंगे विलन के रूप में। पर दोस्तों, अभी तक कंफर्म कौन है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिश 4 के अंदर काम करते हुए नजर आने वाले थे कुछ एक्टर जिनके नाम सबसे पहले उभर के आए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला नाम उभर के आया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। वहीं भी दोस्तों, दूसरा नाम उभर के आया था हमारे शाहरुख खान सर का, और तीसरा नाम उभर के आया था आमिर खान सर का। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रोबोट 2.0 के अंदर जिस तरीके से अक्षय ने काम करा था विलन के रूप में, वहीं पर दोस्तों उस बात को खुश लेकर के और इतनी अच्छी एक्टिंग देख करके ऋतिक रोशन सर के डैड ने इस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार सर को विलन के रूप में लेने का डिसाइड कर लिया है। और दोस्तों, ये खबर हमको अंदर से मिली है, हालांकि अभी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है, पर मुझको लगता है और दोस्तों ऐसी न्यूज निकल के आई है कि क्रिश 4 के अंदर हमको अक्षय कुमार सर ही विलन के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो अक्षय कुमार सर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े एक्टर बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सलमान खान सर को छोड़ के, सनी देओल सर को छोड़ के, अजय देवगन सर को छोड़ के, सबको पीछे छोड़ के, कि अक्षय कुमार सर नंबर 1 यानी कि किंग बन जाएंगे? हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप अक्षय कुमार सर के एक बहुत बड़ा फैन हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।